बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। 14 साल जेल में रहने के बाद आज पालीनगर के ठाकुर राजेश्वर सिंह अपनी हवेली वापस चले आए। राजेश्वर सिंह। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, पापा, बड़े पापा। बड़े पापा, कितना चौंके जो आप आ गए। बेटे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ गई थी? मुझे पता ही नहीं था कि आप आ जाने वाले हैं। बेटे, हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। ओ मंधारी, आसमान में बिजली कड़के और धरती पर चमक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। राजेश्वर, गांव का बच्चा बच्चा जान गया है कि ठाकुर राजेश्वर सिंह आ चुका है। आओ मंधारी, आओ। हर बरस एक एक दिन गिन गिन कर इंतजार कर रहा था तुम्हारा मंधारी। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। देखो, एक छोटी सी भेंट लाया हूं तुम्हारे लिए जो शायद तुम्हें कुछ याद दिला सके। इमली का बूटा, बेरी का पेड़। बस अब फैसला तुम्हारे हाथ में राजेश्वर, या तो इस तस्वीर को उठाकर चूम लो या हम अपना फैसला एक शर्त पर सुनाएंगे मंधारी। अगर तुम हमारा फैसला बी सिंह तक सही सही पहुंचा दोगे तो तुम्हारी शर्त मेरा वादा। सिंह और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। कौन से पूछ के गए थे तुम उधर? कौन तेरे मशवरा दिया रहा उधर जान का? क्या जरूरत आ पड़ी तेरे को जान की? आखिरी उम्मीद लेकर गया था मंदारी उनके पास, इस सोच के कि 14 साल में ऊ का माथा थोड़ा तो ठंडा हुआ होगा। 14 साल बोले? अरे 114 साल भी अगर गुजर जाए ना तो का माता ठंडा होने वाला नहीं। कोई जानवर का जानवर रहेगा वो। माल के बीच में लकड़ी की चौकटे में बनी तस्वीर के ऊपर तलवार चलाए वो। अरे तेरे तो क्या करना था? और अजय सर, अगर तेरे इतनी गर्मी है ना तो घर के बाहर निकल, मैदान में आ, सामने खड़ा मिलेगा तेरे दादा वीर, फिर तेरे जिगरा होए तो तू चला तलवार। शिव कसम, दादा वीर अगर एक उंगली उठा दे ना मंधारी, एक उंगली उठा दे दादा वीर तो सनातनपुर का एक एक जर्रा बारूद बन के गिरेगा पाली नगर के ऊपर। अरे ईट से ईट बच जाएगी, सपाट होके रह जाएगा। दादा वीर छोड़, दादा वीर, दादा वीर ना कटा दी मेरी तन्ने वहां जाके। अब दिख लेना तू, अरे जमीन पे पैर तो टिकना ही नहीं उसका।
वो तो बस आसमान पे घूमता फिरेगा आकाश के अंदर। सर इंजन में कुछ खराबी है। तो पाली नगर वापस ले लो। नहीं सर, यही सनातनपुर में उतरना पड़ेगा। वो क्यों? पाली नगर तक जाने में एक्सीडेंट हो सकता है सर। ठीक है, यही उतरो। लेकिन यहाँ भी दुश्मन है सर। तो भाई एक्सीडेंट में मरने से तो अच्छा है दुश्मन का सामना ही कर ले। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग है सर। तुम यही उतरो। ओके सर। भैया तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह। और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। वो रहे न रहे पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब। जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर। निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह। आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है। साहब के जहर के हाथों तेरी मौत ना होने की राजेश्वर। जहां पे तू खड़ा है ना राजेश्वर, इस धरती पे अनाज बोया जाता है, फसलें काटी जाती हैं, निहत्ते आदमियों का खून बहा के इस धरती को नापाक हमने नहीं होने देना।
अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो कर ही रहेगी। जा रहा है, तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। देखो अमला, दादाजी ने घर के चारों तरफ पहरे और बढ़ा दिए हैं। तो थोड़ा वक्त और दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर। वासु, पापा ने मेरा हवेली से बाहर आना जाना बंद कर दिया है, अब मैं शायद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। बारूद फटकर धरती को चीर सकती है राधा, लेकिन तालाब में खिलने वाला फूल तो खिलता ही है। लोग अच्छा बोल लेते हैं आप। एक्शन भी अच्छा कर लेता हूँ। रियली? लेकिन अब हम कैसे मिलेंगे वासु? इसका तरीका ढूंढ लाया हूँ मैं। तरीका? ये तीन रंग के गुब्बारे हैं ना? हाँ? अगर तुमने लाल रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मैं समझूंगा ठहरो खतरा है। अच्छा, और अगर मैंने ये पीले रंग का गुब्बारा उड़ाया तो? पीले रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मतलब याद आ रही है इलू इलू। और अगर ये हरे रंग का गुब्बारा उड़ाया तो मतलब आ जाओ, और फौरन एक पंछी बनकर आ जाऊंगा तुम्हारी हवेली में। वाह मेरे प्रेम के पंछी, 50 बंदूकें तैनात है हमारी हवेली के आसपास। बुला कर तो देखिए बंदूकें चलती हैं या आशिक का जादू। चैलेंज? चैलेंज, अगर इस सौदे में मैं जीत गया तो फिर क्या दोगी? ना बाबा, मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं करना जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो। मैं राजेश्वर से मिलने उसके घर गया था तो पता चला कि सब लोग राजा महेंद्र के साथ समस्तीपुर गए शिकार खेलने। हाँ, शिकार का शौक तो उसे बचपन से है। मानधारी, तुम तो उनके बचपन के दोस्त हो, उनको कोई रोशनी दिखाओ ना यार। कर्नल साहब, जो घर बरसों से अंधेरों में बंद रहा हो उन्हें बाहर की रोशनी किस काम की? उसका अंधेरा तो उस घर का कोई दीपक ही दूर कर सकता है। ऐसा दीपक उस घर में कोई नहीं। जिस दिन होगा ना, शिव कसम मंधारी उस दिन एक टांग पर नाचेगा कर्नल साहब, एक टांग पर। रारा, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अंदर जाओ बाबा। ये तो बड़े पापा है और ये मेरे दादू हैं। अल्लाह के नाम से, ईश्वर के धाम से, ये तो होना ही था। तुम दोनों की मोहब्बत पर मंधारी के 10 जन्म कुर्बान मेरे बच्चों। वाह वाह वाह। हम समझे नहीं मंधारी काका। यही तो तुम्हें मालूम नहीं बेटा, तुम दोनों जिनकी औलाद हो वो आज एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन है, और जो एक जमाने में सबसे गहरे दोस्त थे। जी, सुनोगे इनकी कहानी तो सुनो। समझ गया ना सारी कहानी। ए दुश्मनी जानलेवा है बछड़े, और तू सनातनपुर की लड़की से छुप छुप के मिलने जावे, ए बात कहीं जीजा जी को पता लग गई तो वो। कौन सी बात चुनिया बाबू? कुछ बात नहीं जीजा जी, मैं समझा रहा था। मैं इसे बोल रहा था कि सनातनपुर के मजदूर के साथ भी दोस्ती करने का मतलब है बिच्छू से दोस्ती करना। बिच्छू से भी हम दोस्ती कर सकते हैं, उसका जहर भी पी सकते हैं, लेकिन सनातनपुर का पानी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे बेटे। ये है कहानी उन दोस्तों की जो आज दुश्मन बन चुके हैं। अगर तुम दोनों की मोहब्बत पवित्र गंगा है तो ये दोनों उस गंगा के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं।
अगर ये किनारे हमारी मोहब्बत की गंगा को रोकने की कोशिश करेंगे मंदारी काका, तो फिर ये गंगा भी बाढ़ बनकर इन किनारों को तोड़ देगी और फिर एक सैलाब आएगा। नहीं मंदारी काका, मेरे बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, वो मेरी खुशी के लिए आप भी सब गम भुला सकते हैं। हम उन दोनों को फिर से दोस्त बना देंगे, है ना? हाँ मंदारी काका। सुन लिया प्रभु, सुना तुमने? अब परीक्षा तेरी है दोस्त, मेरी नहीं। मुझे तो बस ये देखना है कि तू इनकी मोहब्बत को प्रेम की गंगा बनाता है या खून की नदी। हमारे बच्चे ने जन्म ले लिया है कुणाल, बाबा बच्चे को लेके दादा भीर के पास गए हैं, तुम जल्दी आओ, तुम्हारे इंतजार में अमला। ये नहीं हो सकता, ये लोग मुझे मार देंगे। क्या हुआ बेटा? भोलाराम, राधा है तो कहना कि मैं शहर चला गया, दो तीन दिन में लौटूंगा या फिर फोन करूंगा। ठीक है,